इधर बीजापुर में सीआरपीएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने 10 से 12 आईडी बम बरामद किए हैं। ये बम पालनार में सड़क निर्माण कार्य के डिमाइनिंग कार्य के दौरान बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक बम माओवादियों ने विकास कार्य और विकास कार्य में सुरक्षा बल की सहभागिता को रोकने के लिए लगाए थे। सभी प्रेशर आईडी बम को लगभग 10 से 12 मीटर की दूरी पर लगाया गया था, जिसे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने नष्ट कर दिया। स्थापित कैंप पालनार से बीडीएस बीजापुर की एवं बीडीएस सीआरपीएफ 222 की संयुक्त टीम रवाना हुई थी, जिसका उद्देश्य पालनार से सावनार के मध्य निर्माणाधीन सड़क का डिमाइनिंग का कार्य करना था। डिमाइनिंग की कार्रवाई में कुल 21 आईडी बरामद किए गए हैं। ये सभी आईडी माओवादी द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से 10 से 50 मीटर की दूरी पर लगाए गए थे, और ये सभी आईडी प्रेशर आईडी थे। इन सभी आईडी को बीडीएस की टीम द्वारा मौके पर ही निष्क्रिय किया गया है।